दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होंगे। सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद पूरा होगा सपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके न्यूज 9 की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत को एक अच्छा अभिनेता मानते हैं और आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द ही जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने का समय बीत चुका है पर सुशांत का नाम अभी भी लोगों की जुबान पर है, कोई भी उन्हें भुला नहीं पा रहा है। सुशांत की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज हर कोई उन्हें इंसाफ के लिए दुआ कर रहा है। फैंस का प्यार जो उन्हें सुशांत के मरने के बाद भी उन्हें मिल रहा है वह उन्हें जीते जी नहीं मिला था। दोस्तों इस प्यार को सुशांत सिंह राजपूत जीते जी हासिल करना चाहते थे। बॉलीवुड को भी सुशांत की मौत का बहुत दुख है। दोस्तों हाल ही में ऐलान किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड को इंडिया का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इस अवार्ड को पाना हर किसी स्टार का सपना होता है। सुशांत ने भी दादा साहब फाल्के अवार्ड की ट्रॉफी पाने का सपना देखा था जो कि उनके मरने के बाद भी पूरा होने जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का आयोजन करने वाला है। जानकारी के अनुसार इस बार एक मिस्ट्री दादा साहब फाल्के अवार्ड की तैयारी कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जल्द ही सुशांत की याद में एक फेस्टिवल का आयोजन कर सकता है। और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट की शेयर में उनकी जानकारी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लिखा है कि सुशांत की मौत ने पूरे फिल्म जगत को गहरा जख्म दिया है। मौत के बाद उनको जो सम्मान मिल रहा है जीते जी उन्हें कभी नहीं मिल सका था। ये नाइंसाफी है, इस गलती को ठीक किया जाना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत ने इस अवार्ड को पाने के लिए काफी मेहनत की थी। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म के लिए सरकार एक सेपरेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करने के बारे में विचार कर रही है। नेशनल अवार्ड में भी सुशांत सिंह को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि बीते 11 सालों में इस इंडस्ट्री का सुशांत सिंह राजपूत हिस्सा थे लेकिन उनको कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड तक भी नहीं दिया गया। सुशांत को अपने पूरे करियर में केवल 2 स्क्रीन अवार्ड ही मिले हैं जबकि सुशांत को फिल्म MS धोनी के लिए मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। अपडेट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।